तो मतलब लड़कियों के भाई मजे हैं। इंडियन रेट्स को और पाकिस्तान रेट को हम जान तो सकते हैं कि एक ह्यूज डिफरेंस होगा। इंडियन गर्ल है यहाँ, पाकिस्तानी गर्ल्स हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा ओपिनियंस हैं भाई, और काफी ज्यादा प्राइस सुन के वो भी परेशान हुए, हम भी ज्यादा। लेकिन मॉल ऑर्डर उसको भी पसंद आया। हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड रिएक्शन। मैं हूं ईशा तारिक और मेरे साथ है जवेरिया सिद्दीकी, और हम बात करने वाले एक इंडियन गर्ल है जिसने बात किया, उसने एक्सप्लोर किया है कि पाकिस्तान में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की क्या रेट्स चल रहे हैं, किस तरह से लोग सर्वाइव कर रहे हैं, और कंपेयर ऑब्वियसली किया कि इंडियन इंडियन रेट्स को और पाकिस्तान रेट को हम जान तो सकते हैं कि एक ह्यूज डिफरेंस होगा, लेकिन बाकी वीडियो में देखेंगे क्या कितना डिफरेंस है। जो कि हम वीडियो देख रहे थे जिसमें वो काफी ज्यादा परेशान हो रही थी पाकिस्तानी रेट्स देख देख के, भाई पेट्रोल इतना महंगा है, सब्जी इतनी महंगी है, चाय देखा और वो कहती मतलब इतना महंगा 140 kg, मतलब कैसे हो सकता है। चार प्याज जो है वो आपको 140 रुपए के मिल रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा ही है। लेकिन अब देखते हैं कि अब जो बेचारी कितनी परेशान होगी, अब देखेंगे तो पता लगेगा। खैर, ये जिनके व्लॉग्स हमें बड़े पसंद आ रहे हैं तो आप इनके चैनल को जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियोस देखा करें, बहुत मजे की होती है। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ये वीडियो पहले हम देखते हैं और फिर एंड में हम अपनी ओपिनियन देंगे एज अ पाकिस्तानी गर्ल कि हमें क्या लगता है कि ये नॉर्मल है या नहीं है। वो इंडियन गर्ल है यहाँ, पाकिस्तानी गर्ल्स है और यहाँ पे बहुत ज्यादा ओपिनियंस है भाई। स्टार्ट करें। स्ट्रॉबेरी मिल रही है 80 रुपए किलो, डेयरी मिल्क की फ्रूट एंड नट्स, ये चॉकलेट मिल रही है, इसका प्राइस भी मुझे काफी सही लगा है। खीरे ले लो भाई, खीरे 94 रुपीज पर केजी है, 1,18,000 TPH, 28,000 रुपए का ये टी पॉट। ये देखो ये मिल रहा है ऑलवेज ऑलवेज का, प्राइस देखो भाई बेड का 1299। हाय हाय, मदमस्त खुशबू, 5 kg का आटा पैकेट है ये। लाहौर के सबसे बड़े मॉल, खूबसूरत है यहाँ की वाइब्स, जिसका नाम है पैकेजेस मॉल, बड़ा पैकेज बड़ा धमाका। तो इतने सारे जिन्ने भी ब्रांड है थे लोकल ते मे भी सब इंटरनेशनल, इंडियन ब्रांड भी देखा गया जी मिल गया था कोई अंदर चल के, बट है मुश्किल। मॉल जो है ना बहुत वधिया है इतने ना, सब तो मैं वधिया गल की लगी ना, पार्किंग जड़ी भी हैगी ना, वो सारी पार्किंग ओपन है। चलिए फिर सदा अंदर चलते आ जाओ, चलो भाई मॉल के अंदर करते हैं एंट्री। ऐसा है अभी यहाँ का फुल हसलिंग बसलिंग माहौल। हाँ जी हाँ जी, बढ़िया ट्रैवल विद जो जे ओ, सब बढ़िया मस्त। देखो रात के ना भी 9 बजे हैं, जी एक्सकलेटर पे जा रहे हैं और सामने आपको दिख जाएगा यहाँ पे पिज्जा हट, और भी काफी ब्रांड है जिवे की ए है हिजकी ज्वेलरी द ब्रांड। अभी मॉल में हम उस सेक्शन में आए हैं जहाँ पे आपको दिखाएंगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट डिफरेंट प्राइस क्या होंगे। केयर फॉर यहाँ पे एक मल्टी ब्रांड है, एक मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, फ्रूट्स है जैसे अपने इंडिया में होता है ना रिलायंस, उस टाइप से यहाँ पे एक केयर फॉर भरा हुआ है जहाँ पर फ्रूट्स, चप्पल, खाने पीने की सब्जी, ये सब इवन जो राशन का सामान होता है ना वो सब भी आपको यहाँ मिलेगा। तो एक तरीके से ये ऑनलाइन भी है, प्रोवाइड करता है। हाँ, एंट्री तो बड़ी गजब है। अभी जैसे ना स्ट्रॉबेरी का सीज़न है और यहाँ स्ट्रॉबेरी बड़ी सही मिल जाती है। देखो 74 रुपीज़ की है, लगभग 414 ग्राम, ठीक है 414 ग्राम। थोड़ा मॉल है ना तो इस वजह से रेट थोड़े से ज़्यादा है। अगर यही चीज़ आप कल हमने जैसे मुझसे पूछा था रेडी वाले से, तो ये हमें लगभग उसने कितने रुपये किलो बताई थी, 25 या 30 रुपये किलो, मतलब वहाँ पर और सस्ती मिलेगी आपको। स्ट्रॉबेरी मिल रही है 80 रुपए किलो, यानी कि इंडिया दी 30 रुपए किलो। अंगूर है 470 रुपीज, मौसम ही अच्छी है कि हाँ। आलू का रेट तो सस्ता है 78 रुपए, हाँ 25 रुपए इंडियन लगभग। यहाँ पे थोड़ा प्याज है ना अलग से है, ब्राउन रेट्स है 199 रुपीज PKR पर kg। वाटरमेलन देखो, साइज देखो भाई इसका कितना जाइंटिक साइज, 199 रुपीज ये। लेकिन चाइना तो इम्पोर्ट कितने हो रहे लगता। और जैसे धनिया हमारे इंडिया में तो थोड़ा फ्री मिल जाता है, पर यहाँ पे ना ये कोरिएंडर धनिया 22 रुपए का है, देखो फ्री नहीं है कहते। खीरे ले लो भाई, खीरे 94 रुपीज पर kg है ये PKR। पापड़ की आपको वैरायटीज मिल जाएंगी अलग अलग, मैक्रोनी वाले होते हैं ना उस स्टाइल के भी हैं, और नॉर्मल जो होते हैं पापड़ आलू वाले। और पीछे ना जो पूरा नॉन वेजिटेरियन सेक्शन है, वहाँ तो हम अभी नहीं जा रहे हैं फिलहाल। और ये पूरा इधर ड्राई फ्रूट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट वैरायटीज़ के, और
प्राइस भी यहाँ पे मेंशन मिल जाएगा। 500 ग्राम का ये पीनट है, इसमें प्राइस मेंशन नहीं है ना कहीं, इसमें प्राइस मेंशन नहीं है। यस, ये आटा है, इसमें आटा है। अच्छा, गेहूँ का आटा। हाँ, ये देखो ये कट्टों में है ना, ये मिल रहा है, ये है आटा, पंजाब का स्पेशल। यहाँ पे ये पैकिंग भी की हुई है, फाइन आटा, ठीक है। ये इस टाइप के कट्टे बना के इन्होंने रखे हुए हैं कट्टों में। ये 15 किलो की पैकेजिंग है, बट इन पर रेट कहीं मेंशन नहीं है। और ये ऊपर मिलेगा जो छोटे पैकेट्स है, ये 5 kg का है, नायाब एनर्जी 5 kg का आटा पैकेट है ये, फ्लोर नायाब व्हीट फ्लोर, 939 rupees, 700 rupees। अच्छा, 150 rupees किलो एवरेज है ना, 150 rupees किलो है यहाँ पे, मतलब इसको अगर कर रहे हो तो ये है 939। थोड़ा पैकेट है ना, और पैकेजिंग में होता है थोड़ा महंगा होता है, जैसे अपने आशीर्वाद का आटा होता है ना, वैसे यहाँ नायाब एनर्जी का मिल रहा है। दसो की लभ्या कहाँ से है, पैड का सेक्शन, पैड 6 नंबर ये कौन सा सेक्शन है, डीपीएच 6 तो उधर है। ये देखो ये पूरा सेक्शन है जहाँ पे आपको बच्चों के पैम्पर्स मिल जाएंगे, जो कि प्राइस है देखो वाह 1485 rupees, 1485। और ये देखते हैं अभी गर्ल्स सेक्शन है ये पूरा, जहाँ पे ये देखो ये मिल रहा है ऑलवेज ऑलवेज का पैड सेक्शन, वैल्यू पैक 3-in-1। तो प्राइस देखो भाई बेड का 1299, 1300 rupees का है ये, बड़ा महंगा है भाई। और यहाँ पे विस्पर वगैरह नहीं है क्या, विस्पर स्टेपरी वो सब नहीं चलता है यहाँ, वो नहीं है इधर, नैपकिंस है ना वो, हाँ वो नहीं है इधर, ठीक है। चीज कौन सा अच्छा है, बेस्ट है आपका यहाँ का, सारे ही अच्छे हैं, नूरपुर का मैंने सुना है अच्छा होता, ज्यादा अच्छा होता है क्या, कंपनी के लिहाज से सारी चीज ही अच्छी है, कस्टमर के टेस्ट पे डिपेंड करता है। अच्छा, जे इंसान का टेस्ट डिफरेंट होता है, अगर आप एक ही ब्रांड की यूज करेंगे ना तो आप दूसरे ब्रांड की नहीं यूज करेंगे। अच्छा, अगर मुझे अपने इंडिया लेके जाना हो तो कौन सा बेस्ट रहेगा, अकॉर्डिंग टू यू ओनली, आप मुझे सजेस्ट करो। मैंने बोला इसका ज्यादा जाते हैं। अच्छा, ये काफी पुराना है तो आप कितने दिन तक चल जाएगा, घर पे ले जाएंगे तो खराब तो नहीं होगा रास्ते में, उसके ऊपर एक्सपायरी मेंशन होती है। अच्छा, फिर एक निकाल के दो ना, ले लेते हैं एक, जाने नहीं देंगे ये, क्यों ये हमने खाना। अच्छा, चलो नहीं जाने देंगे, ये जाने देंगे क्यों, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो ले जा सकते हैं। हाँ ले जाओ, देख लेना, चलो यहाँ की लोकल कौन सी बढ़िया है, एकदम मस्त ठंडी ठंडी थोड़े वांगो चिल्ड। अच्छा, ये सब है, प्राइस भी मेंशन है कि इतने देख लो, 59 rupees की है ये फ्रेश मैंगो है ना। ये है कोलगेट, कोलगेट के अलग अलग, इसका प्राइस देखते हैं हम, चेक करते हैं, प्राइस है 260 rupees PKR। बीइंग अ ट्रैवलर, मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है चीज़ें कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे ना काफ़ी ब्रांड्स हैं, नॉर्मली मैं देख रही हूँ अमेरिकन टूरिस्टर की ट्रॉलीज है ना ये बहुत सारी, इनके प्राइस भी चेक करते हैं। ओ भाई साहब, 40,000 rupees की है ये ट्रॉली PKR, 40,000, कोई डिस्काउंट है, 30% ऑफ, ओके। और कौन कौन से ब्रांड है आपके पास, अमेरिकन टूरिस्टर, ओके। ये काफी वैसे रेंज है पर प्राइस भी थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, गारंटी है कि लाइफ की गारंटी नहीं है, तुसी मेनू ट्रॉली की गारंटी दे रहे हो। अच्छा, ये कितने की है, 23,000 की मिलेंगी, ओके। तो इंडियन जे लाइए फिर कितने दी हो रही, 7,000 ला लो है ना, 7,000 दी होनी है। यहाँ देखिए आप बासमती राइस जो होता है ना, बासमती राइस की यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग क्वालिटी, और मीन्स जैसे कि ये देखो ये है बासमती राइस, काफ़ी मतलब इसमें भी ऑप्शंस है, ये लॉन्ग ग्रेन राइस 470 rupees ओनली, यहाँ पे चावल का रेट मुझे सही लगा, इसलिए यहाँ ज़्यादा राइस भी खाते हैं। और भाजी की बेच रहे हो, केड़े मसाले हैं, नेशनल चार कढ़ाई गोश्त, चार गोश्त। अच्छा, ये मसाले हैं, चार मसाले स्पेशल है का जी। अच्छा, कितने तक का मैं ले जाऊँ, एक ले जाए इंडिया ले जाओ,
सब नु खावा फिर जी। जो नॉनवेज खांदा उसनु खावा किन्ने दा हैगा ये है 119 रुपए का। देखो भैया जो अपना फिटनेस लवर होते हैं ना उनको ये पीनट बटर बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे ना अमेरिकन गार्डन का ये पीनट बटर सेल हो रहा है और जिसका प्राइस मैं देख रही हूँ 510 ग्राम प्राइस मेंशन, हाँ ये रहा 702 रुपए ये प्राइस है इसका चोको ब्लिस पीनट। देखो यहाँ पे ना ये डेयरी मिल्क की चॉकलेट है थोड़ी फ्रूट्स एंड नट्स की, काफी सही लग रही है देखने में छोटी सी, मतलब जो जैसे ये हमारे इंडिया में 10 रुपए की आती है ना इसका MRP देखो 180, शायद मैं गलत बता रही हूँ इंडिया में ज़्यादा महंगी हो सकती है। देखो डेयरी मिल्क की फ्रूट एंड नट्स ये चॉकलेट मिल रही है ₹180। भाई साहब ये देखो क्रॉकरी है बहुत सुंदर है खूबसूरत है बट प्राइस देखो एक बार 18,000 का। लेडीज के लिए बड़े ही मतलब कहते हैं ना घर को सजाने के लिए किचन के लिए काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, क्रॉकरी सेट है प्लेट्स। और मेरे को ना ये बहुत सबसे ज़्यादा खूबसूरत क्या लगा ना ये टी पॉट, देखो कितना सोना लग रहा है ये टी सेट कप है इस टाइप के सेट है वन सेट होते ना। ये देखो नमकदानी ये इम्पीरियल टी मिल्क सेट देखो 6,899 रुपीस का प्राइस भी साथ साथ यहाँ पे मेंशन है। और ये देखो भाई साहब 28,000 रुपये का ये टी पॉट गंज शुगर नेचुरल, मतलब ये अच्छी है क्वालिटी इनकी ओके। इसका प्राइस है ये 192 PKR 1 kg में, ये अलग अलग पैकेज में है 5 kg 2 kg ये रेट है इनके। उधर सामने सेक्शन में आपको दाल मिल जाएंगी और इस साइड है बेसन आटा ये सब चीज़ें, देखते हैं बेसन का क्या प्राइस है आज का। बेसन का प्राइस देखो यहाँ पे ये है 237। ये ट्रे देखो भाई जितनी बड़ी लग रही है ना आपको ये उतनी हैवी है नहीं, काफ़ी लाइट सी है मतलब कंपेयर टू साइज काफ़ी लाइट है और प्राइस थोड़ा ज़्यादा है ना। कितना प्राइस है, कोई डिस्काउंट है उनका? कोई डिस्काउंट नहीं। आप लोकल लोकल है लाहौर से? फैसलाबाद से। कोई डिस्काउंट नहीं होता यहाँ मॉल में, सब MRP पे। अच्छा आज नहीं है कोई भी? देखो चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव तो हैं बट बहुत एक्सक्लूसिव है, बहुत सारी रेंज है और इसके अलावा काफ़ी मुझे खूबसूरत भी लग रहा है। यहाँ पे ना एक मल्टीपल थिंग्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगी, सबसे अच्छी बात जैसे यहाँ देखोगे ना ये गलीचे होते हैं ना घर में बिछाने वाले मैट, प्राइस देखो एक बार इधर हैगा 14,950 समथिंग 15,000 रुपये इस टाइप के गलीचे मैट्स ये सब भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चेक करो आप प्राइस भाई साहब 1,18,000 का ये सेफ। ये देखिए आपको यहाँ ना इस टाइप का ग्लास मिल जाएगा और इसका प्राइस भी मुझे काफ़ी सही लगा है। जैसे कि पाजी है इधर मुँह छुपाने ने थोड़ा कैमरा फ्रेंडली नहीं है ना, उन्होंने बताया कि 15,000 का है ये मिरर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। देखो बाथ ट्रावल है ना 500 रुपये मतलब 500 PKR ये काफ़ी मुझे सही लग रहे हैं। प्राइस इनके देखो अगर हम इंडिया के प्राइस से कंपेयर करते हैं तो लगभग आपको पड़ेगा ये 200 से भी कम पड़ेगा, मतलब बहुत सही है ये तो। डेटोल का साबुन का 3 का पैक आता है ना, नहीं 4 का, सॉरी 4 का पैक है ये डेटोल साबुन का, ठीक है। ये देखो इसका प्राइस है 660 रुपीज़। कोका कोला की गाड़ी कितनी मस्त है एक नंबर की, काश इस पर भी हमें एक छूटा दे देते तो और मज़ा आ जाना सीगा। क्यों यहाँ पे ना ये ब्रांड है कोका कोला स्प्राइट इस टाइप की कोल्ड ड्रिंक्स। तो आपको दिखाते हैं आपका पाकिस्तानी सूट, इतने सुंदर है सूट, इनका प्राइस देखते हैं एक बार। प्राइस हैगा 13,595 का, बहुत महंगा। हाँ अच्छा 15% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है, अरे वाह फिर भी बहुत महंगा है, बजट तो बाहर। अलमीरा सामने है ना जो ये है पूरा पाकिस्तानी सूटों का मतलब पूरा स्टोर हैगा, बोनेंजा सतरंगी पूरा यहाँ पे ना कपड़ों का कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। और यहाँ इत्र भी है, आय हाय मदमस्त खुशबू, मैं भी कर सकती हूँ स्मेल कर सकती हूँ। हाँ 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 माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन। इसमें आपको रिफ्रेशमेंट के लिए ना जूसेस की वैरायटीज मिल जाएगी, यहाँ पे ना शुगर केन बहुत पॉपुलर है, इस टाइप से फ्रेश जूस आपको मिल जाएगा। बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट भी है यहाँ पे, बच्चों के साथ साथ ना पेरेंट्स भी जा रहे हैं मोस्टली यहाँ पे ना, देख रही हूँ कि लोग
आजकल पाकिस्तानी ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे जीन और मोस्टली ना लड़कियों के लेडीज के जो कपड़े होते हैं ना वो सब, और वॉचेस रफिक सन्स यहाँ पे, मतलब मस्त होता है ना। एक ब्रांड कौन सा बेस्ट ब्रांड है वैसे? वैसे तो इंटरनेशनल ब्रांड बड़े अच्छे हैं, मगर आपने अगर कपड़े लेने हैं तो सना सीना बहुत अच्छा है, बहुत सा ब्रांड भी बहुत अच्छा है, अच्छा खाटी बहुत अच्छा है, वेफल्स कॉफ़ी डोनट्स ये सब आप यहाँ पे, मतलब मुझे लग रहा है बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि डाइट एंड डिज़ाइन, डाइट बाई डिज़ाइन भी है, सब चीज़ें फ्राई करो यार। मॉल तो मस्त लग रहा है मुझे अभी तक। और ये देखो यहाँ पे मिला है प्यूमा, प्यूमा भी मिल गया यहाँ पे अपना लोगो, यहाँ पे पूरा शूज़ के लिए दिख मिल जाएगा आपको। पीछे एडिडास का शोरूम और इधर पूरा ये एरिया है फूड कोर्ट का। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ और क्या दिखिए ना, मॉल में आपको बैंक के एटीएम्स मिल जाएंगे, मगर अगर आपके पास या तो लोकल पाकिस्तानी कार्ड है या फिर बाहर का इंटरनेशनल अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दिया तो वो रनिंग है, इंडिया का तो नहीं चलेगा, बट फिर भी यहाँ पे ना मॉल में देखिए यहाँ पे एक बार ऐसा माहौल है और इतने ये सब ब्रांड्स हैं। सामने बना हुआ है सिनेपैक्स जहाँ पे आप मूवीज वगैरह देख सकते हैं, और यहाँ ना खादी का ब्रांड है, देखो हमारे इंडिया में भी होता है ये खादी का ब्रांड और यहाँ पे भी है, पर ये जो सेक्शन है ना बहुत प्यारा है, यहाँ पे आपको गूगल ऑप्टिक्स वगैरह ये सब मिलेगा, बहुत सारे कपड़ों के तो मत पूछो इतने ब्रांड्स हैं। ये आयत होती है ना, इस टाइप के आयत के फ्रेम्स भी मिल जाएंगे। पैकेजेस मॉल जब भी आओ ना लाहौर तो ये सब तो वड्डा मॉल है, ये पैकेजेस मॉल जरूर विजिट करियो। जी लाहौर का असली मसाला तड़का बिकना है ना, दिस इज द मस्ट प्लेस टू विजिट। वीडियो चंगी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब करो, 1 मिलियन सब्सक्राइब कर 6 महीने करके कर दो बस, हां होने चाहिए ना वीडियो 1 मिलियन अभी होना चाहिए नो। थैंक यू जी, शुक्रिया। ओते बिहाइंड द कैमरा मैक जी, अपना अपना तो हो भाई। वाकई जो पाकिस्तानी क्लोदिंग ब्रांड्स हैं वो बहुत ज्यादा है, मतलब अगर आप गिनने बैठो ना, सना सफीना है, खाडी है, सफायर है, लाइमलाइट है, रंगजा है, बुनेंजा सतरंगी, और बाकी जब मॉल्स में जाओ ना सबसे ज्यादा यही एक चीज है जो आपको देखने को मिलेगी, लाइक वुमेन क्लोथ्स। वुमेन की तो भाई औरतों के लिए ब्रांड्स में कपड़े भी बहुत ज्यादा है, जूतों के ब्रांड्स बहुत ज्यादा है, वैरायटी भी बहुत ज्यादा है, मतलब आप जैसा चाहो ना वैसा मिल सकता है आपको, जूतों के, बैग्स के। भाई अगर मॉल जाना है तो मतलब लड़कियों के भाई मजे हैं क्योंकि पाकिस्तान के क्लोथिंग ब्रांड्स बाकी जैसे उसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन जो कारफोर वो गई है और जो रेट्स आए हैं सामने, अच्छा थोड़ा एक्सपेंसिव तो होता है वो, लेकिन होता है फिर भी अगर देखा जाए ओवरऑल रेट तो बहुत ज्यादा है। लेकिन इसे ऐसा होता है ना कि जो हमारी अम्माएं होती है घर में वो कहती हैं कि कारफोर से सब्जियां दालें चावल नहीं लेना, नहीं लेने, ये जाके उससे ही लो जो शॉपकीपर है ना उससे ही जाके, और बाकी जो ये होता है सोप वगैरह सर्फ वगैरह ये चीजें इन जगहों से खरीद दी जाती है ताकि वो नकली ना मिल जाए या दो नंबर ना मिल जाए। आटा तो मतलब वो है ना नेचुरल, क्या ही दो नंबर मिलेगा, तो वो कहते हैं कि आटा चीनी तो जाके आप दुकानदार से, और मतलब मोस्टली लोग ऐसा होता है कि गंदुम यूज करते हैं तो आटा तो वो उस फेज में नहीं आता, वो उसमें नहीं आता, लेकिन जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी वो, लेकिन वो बता भी रहा था ना कि मोस्टली ऐसा होता है कि पैकेजेस चले जाओ तो यहाँ पर डील्स लगी हुई होती है, लेकिन वो ऐसे दिन गई है कि कोई भी डील नहीं थी वहाँ पर। एक एक जो वो सूटकेस था वो उनको 35-35, 40-50 क्रॉकरी सेट भाई 35,000 18,000 40,000 वो जो क्रॉकरी एक जो थी वो एक सेट था वो पता नहीं टी सेट था क्या था वो कोई 18,000 था, और एक उस तरफ था वो पता नहीं 22-23 तरह से रखा हुआ था, इतना एक्सपेंसिव था। वो एक ट्रे दिखा रहा था ना, वो कहती मुझे बहुत पसंद आई, पूछा 7,000 की, 7,000 की एक ट्रे, तो यही कहते हैं कि आप शॉपकीपर से इसी तरह की ट्रेस मिल जाएंगे, ढूंढनी पड़ेगी थोड़ी सी, एक दो घंटा लगेगा ढूंढने, लेकिन वहाँ पे 1,500-2,000 की मिल जाएगी। एग्जैक्टली, बार्गेनिंग कर लो और वो कम कर देते हैं, यहाँ पर तो ये चीज ही नहीं है ना, मतलब हम कर ही नहीं सकते, तो मुझे ऐसा लगता है कोई क्रॉकरी वगैरह यहाँ से नहीं बाय करनी चाहिए। घर वाले कभी खरीदने हमारे घर वाले, घर वाले कहते हैं क्रॉकरी खरीदनी है जाके दुकान पे जाके उससे थोड़ी बार्गेनिंग करो, वहाँ से खरीदो, क्रॉकरी यहाँ से नहीं खरीदो, फ्रूट्स भी नहीं यहाँ से खरीदे, वो भी आपको ना जो मिलते हैं ना
बाहर मंडी से, हाँ, मंडी से भर वहां से रेट, वहां रेट थोड़ा कम होता है, लाइक यहाँ पर अभी जैसे वो अनियन दिखा रहे थे वहां पे 140 था और यहाँ पे 200 था, 199, तो ह्यूज डिफरेंस है अगर देखा जाए तो। फिर लोग कहते हैं कि जहाँ से भाई डिस्काउंट मिल रहा है वहां से खरीदो, क्यों इतना महंगा खरीदो। और इसके अलावा वो जो थी, वो जो शीशा था वो 15,000 का शीशा था, मतलब यहाँ से अगर आप लोकल जाके खरीदो तो आपको 5-6,000 का, 5-6,000 में। अगर हम दराज में यही चीजें देखें ना तो वो काफी डिस्काउंट में दिखाई, लेकिन दराज वाले कभी कभार क्या ऑनलाइन शॉपिंग होती है ना, ऑनलाइन शॉपिंग का एक रिस्क रहता ही रहता है। लेकिन काफी इंजॉय किया है और काफी ज्यादा प्राइस सुन के वो भी परेशान हुए, हम भी साथ। लेकिन मॉल ऑर्डर उसको भी पसंद आया, मतलब वो कह रही थी कि अगर कोई आता है विजिट करने तो जरूर पैकेजेस मॉल, बहुत पैकेजेस मॉल लाहौर का, एम्पोरियम मॉल भी बहुत मजे का है, मतलब यहाँ पर ना हर तरह के आपको लोग मिल जाएंगे। वो जब स्टार्ट में एंटर हुई तो वो कैसे बच्चा भी आ गया आ रहा, तो हर तरह के लोग इन जगहों पर मिल जाते हैं, तो लोग बहुत ज्यादा हैं, अमाना है, हाँ, मॉल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पैकेजेस ये हो जाता है कि सबसे बड़ा है, तो नहीं आई थिंक एम्पोरियम सबसे बड़ा है, नहीं पैकेजेस नंबर वन पे आ रहा है, उसके बाद एम्पोरियम आता है, पैकेजेस सबसे बड़ा है, तो इस वजह से वो थोड़ा हो जाता है। खैर, आप लोग बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।